यहाँ पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सकते हैं? तो गरीब माँ का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है, आप तो नामदार है, नामदार, हम तो कामदार है। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। और इतिहास गवाह है, अध्यक्ष महोदया जी, इतिहास गवाह है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या है? मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया? चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया? चंद्रशेखर जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था? मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता, ये आंख में आंख। और इसलिए आंख में आग डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है? एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार है, भला हम नामदार से आंख में आंख कैसे डाल सकते हैं? और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन आंख में आंख डाल करके आज सत्य को कुचला गया है, बार बार कुचला गया है, सत्य को बार बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कांग्रेस ही थी, जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए? मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी को तो कांग्रेस का इतिहास है, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। आपको यह भी मालूम नहीं है? आज यहां यह भी कहा गया, आपका विषय लेने वाला हूं मैं, आपकी बात जयदेव जी, आपकी बात लेने वाला हूं, आपकी बात लेने वाला हूं, आपका विषय आएगा। अरे जरा बारी बारी से आने दो, किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हर किसी का सम्मान कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आज आज यहां ये भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं, ना हम सौदागर हैं, ना हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के
115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं। हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनत कश मजदूरों के भागीदार हैं। हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है। हमें गर्व है इस बात। कांग्रेस का एक ही मंत्र है, या तो हम रहेंगे और अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा। ये पूरा कालखंड देख लीजिए, वहां भी भुक्तभोगी बैठे हैं, उनसे वहां बैठे हुए भी परेशानियां थे, कोई बात बाकी नहीं है। सबके साथ क्या हुआ सबको मालूम है। अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, अपप्रचार किया जाता है। आज के युग में देश में अफवाहें फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों पर अत्याचार रोकने